आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू का, जो बीए इग्नू से कर रहे हैं बीए प्रोग्राम, जिसको बीए जनरल कहा जाता है एक तरह से, या बीएजी कहा जाता है इग्नू में। तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का, जो पहला सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन करा चुके हैं और बुक्स को लेकर कन्फ्यूज़न है, सिलेबस हो सकता है उन्हें पता हो सकता है उन्हें सिलेबस ना पता हो। तो देखिए, यहाँ पे मैं सिलेबस और बुक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखें एंड तक और समझने का प्रयास करें। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना है कि जब आप बीए फर्स्ट ईयर में, आप बीए में एडमिशन कराते हैं, तो आपको पहले सेमेस्टर में चार सब्जेक्ट मिलते हैं। तो वो चार सब्जेक्ट में, जैसे मान लो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री लेते हैं, तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ज़्यादातर ने ले रखा है, इसलिए पॉलिटिकल और हिस्ट्री का आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो आपने पॉलिटिकल और हिस्ट्री के अलावा कोई और डिसिप्लिन सब्जेक्ट ले रखा है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट का कोड। मैं आपको उस सब्जेक्ट के कोड पे वीडियो बना के उसका सिलेबस बता दूंगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। तो जैसे मान लो हिस्ट्री का कोर्स अगर हम देखते हैं, तो इसका हिस्ट्री का कोड होता है इग्नू में, इग्नू में सब्जेक्ट के कोड होते हैं, ठीक है? BHIC 131, यानी BHIC 131 जिस बच्चे के पास है तो उसको क्या पढ़ना होगा बीए फर्स्ट ईयर में। तो आप देख सकते हो ये वाली हिस्ट्री है, इसमें आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ोगे, आप एक स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान इसके बारे में पढ़ोगे, भारतीय इतिहास की प्राकृतिक विशेषताएं, गठन और लक्षण पढ़ोगे, शिकारी संग्रहकर्ता के बारे में पढ़ोगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, इसकी भौतिक विशेषता, संपर्क का रूप, समाज और धर्म के बारे में, ताम्रपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे, वैदिक काल के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे, उत्तर वैदिक युग के बारे में पढ़ोगे, जनपद महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे आप एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने वाले हो। सिकंदर का आक्रमण, मौर्य शासन, प्रशासनिक संगठन दक्कन के बारे में, और ये तमिल भाषा साहित्य, ये कुछ मेन मेन टॉपिक हैं जो आप पढ़ने वाले हो इग्नू के बीएजी में। अगर आपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट में हिस्ट्री ले रखा है तो आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे। तो आप एक बार सिलेबस देख लो, मैं आपको एंड में बुक के बारे में बताऊंगा। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये इग्नू की किताब से मैंने कटिंग ले रखी है, ठीक है? अगर आपके पास मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस भी है, तो पॉलिटिकल साइंस का जो कोड है वो है BPSC 131। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना होगा इसे देखिए। तो इसमें आपके जो टॉपिक होंगे वो ये होंगे, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय पहली यूनिट होगी, जिसमें आपको राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत में मैंने वीडियो बना रखी है, क्योंकि ये SOL में भी होता है और ये रेगुलर में भी होता है और ये इग्नू में भी होता है। तो मैंने SOL के हिसाब से वीडियो बनाई थी, जिसमें से बहुत सारे टॉपिक इग्नू वाले स्टूडेंट के काम आ जाएगा। जैसे राजनीति क्या है मैंने पढ़ाया हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये पढ़ाया हुआ है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पॉलिटिकल देख सकते हो। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, इसमें शायद मैंने न्याय वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, पर मैंने स्वतंत्रता, समानता और अधिकार पढ़ा रखा है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा ये आपके सामने टॉपिक है लोकतंत्र, जेंडर, नागरिकता, और फिर आप ये देख सकते हो लोकतंत्र बनाम आर्थिक विकास, स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण, परिवार कानून, राज्य रक्षात्मक भेदभाव, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर यहीं पे बात करते हैं हम EVS की, तो EVS में आपका जो कोड होता है वो BEVAE 181, ये आपका कोड होता है EVS का। अब EVS जो है SOL वाले स्टूडेंट के पास भी है और इन सभी के पास होती है EVS, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि इग्नू का EVS जो है वो अलग है थोड़ा बहुत SOL की EVS के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टॉपिक है इग्नू की EVS के, इसमें से बहुत सारे टॉपिक जो है मैंने करा रखे हैं, ठीक है? कुछ टॉपिक नहीं कराए हैं, लेकिन जैसे जैव विविधता हो जाएगा, ऊर्जा संसाधन हो जाएगा, ठीक है, पर्यावरण हो जाएगा, परितंत्र हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक कराए हुए हैं और बहुत सारे टॉपिक नहीं भी कराए, क्योंकि हमने SOL के हिसाब से बनाया था, ठीक है? लेकिन इस बार कोर्स जो हम नया बनाएंगे उसमें EVS इग्नू की भी आपको करा दी जाएगी, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। इसके अलावा जो इंग्लिश होती है इनके पास, इसका कोड होता है BEGLA 135। इंग्लिश में आपको चार किताबें पढ़नी पड़ती है, ये आपकी पहली किताब है जिसमें आपको इस तरीके से यूनिट दे रखी है, आप इसे देख सकते हैं। ये दूसरी किताब है, ये आपकी तीसरी किताब है और ये आपकी चौथी किताब है। तो इस तरीके से आपको टोटल चार बुक यहाँ पे पढ़नी है इग्नू के अंदर इंग्लिश के लिए, और आपकी EVS की एक ही किताब मिलेगी आपको। हिस्ट्री के लिए भी आपको एक मोटी सी किताब मिल जाएगी, पॉलिटिकल के लिए भी एक ही किताब मिल जाएगी। पहले इनकी पतली पतली किताब होती थी बहुत सारी, लेकिन अब ये मोटी मोटी किताब मिल रही है आपको, जो कि आपको अब यहाँ पे ये बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होगा कि सर हमें तो एडमिशन तो करा लिया है, पर हमें ना तो कोई इग्नू से किताब मिली है और ना हमारे पास कोई सिलेबस था। सिलेबस तो चलो आपने प्रोवाइड करा दिया, अब हमें इसे पढ़ना है तो पढ़ना कहाँ से है? तो देखिए, मैं आपको कुछ लिंक दे दूंगा
उसमें से कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे राजनीति क्या है आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपकी जो किताब है, जैसे मान लो आपने एडमिशन ले लिया है इग्नू में, मान लो आप एडमिशन अपना करा चुके हो, तो आपकी ये जो किताबें हैं, अगर आपने हार्ड कॉपी सिलेक्ट किया था वहाँ पे एडमिशन के समय में, तो आपकी जो बुक की हार्ड कॉपी है वो आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, लेकिन उसमें लगेंगे कम से कम एडमिशन के बाद 3-3 महीने लग जाते हैं, 4-4 महीने लग जाते हैं घर आने में, और इस बार तो कोविड की वजह से वैसे ही सब कुछ लेट हुआ है, आप समझते हैं इस चीज़ को। तो दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि आप अपने सब्जेक्ट का कोड आपको पता है, आपने जिसमें भी एडमिशन कराया है, आप अपने एडमिशन वाला जो आपने प्रिंट निकलवाया था उसमें सब्जेक्ट का कोड होगा आपका, तो आप उस सब्जेक्ट की कोड को लेकर आप मार्केट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको नीरज पब्लिकेशन की बुक्स मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य भी पब्लिकेशन है, गुली बाबा हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, कई सारे पब्लिकेशन हैं जो आपको अच्छी अच्छी किताबें प्रोवाइड करा देते हैं सैंपल पेपर, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं और आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, तो आप चाहें तो आप वो खरीद सकते हैं। अगर आपके पास मान लो किताबें नहीं आई हैं और आपको पढ़ने की टेंशन हो रही है, तो आप वहाँ से खरीद के पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है तो आप आराम से वेट कर लो, इग्नू की किताबें आ जाएंगी आपकी 4 महीने में 5 महीने में, जब भी आपकी आ जाती है किताबें घर पे, आप इग्नू की किताब से पढ़ सकते हो, तो आप आपके पास दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, आप कहीं से भी खरीद सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एकलव्य स्नातक को, और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को, जय हिंद जय भारत।